मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का क्षेत्र कहलाने वाले इंदौर में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पंकज संघवी 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े और 2024 का लोकसभा चुनाव आते भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ऐसा क्या वजह बन रही है कांग्रेस में कि लोग लगातार पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं? ये तो इनके बड़े नेताओं को सोचना चाहिए कि सुरेश पचौरी जैसे पार्टी अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहे, चार बार के राज्यसभा सदस्य रहे, वो आदमी जब आपको छोड़ के जा सकता है तो बाकी हम लोग तो छोटे लोग हैं। जब उस पर आपको विचार मंथन नहीं हो रहा आपसे, विशाल, हमारा संजय, मैं, ऐसे कई लोग हैं जिनसे संवाद ही नहीं है अध्यक्ष महोदय का। अध्यक्ष महोदय कभी कोई मीटिंग बुलाएं, कभी बात करें, कभी कोई इशू हुई कि आओ पंकज भाई चाय पीते हैं, बैठते हैं, या मैं आपके घर आता हूँ चाय पीते हैं। मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी के जो मंत्री थे ना तुलसी सिलावट, वो ऐसे ही फोन लगा लेता था, मोटा भाई आ रहा हूँ मैं चाय पीऊँगा, क्या लालच उसको मेरे से? बंटवारे नहीं लगाते कभी नहीं। और तुलसी भैया दूसरे दिन सुबह आ भी जाते, बैठते, हम यूनिवर्सिटी मिल के लड़ाते थे मैं और तुलसी भैया, और कई सालों तक हमने मिल के लड़ाई और जिताई, तो ये दोस्ती रहती है, ऐसा कुछ था ही नहीं। बंटवारे से नहीं बन पा रही दोस्ती वैसी नहीं, इतना बड़ा आदमी हो जाता ना आदमी तो सब भूल जाता है। जब हम पहले बार 98 में लड़े थे ना तो पीछे पीछे घूम रहे थे, अब बड़े नेता हो गए तो वो उम्मीद करते कि हम जैसा आदमी पीछे घूमेगा, तो ऐसा होता नहीं है कभी। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि नेतृत्व परिवर्तन जैसा हो रहा है, जैसे युवाओं को अध्यक्ष बनाया, उमंग सिंगार को जिम्मेदारी दी, तो अब कुछ बदलाव आएगा संगठन में, आपको लगता है कि जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया? कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा क्या, और 12 बजनी और कुछ नहीं होना इनसे। अच्छा, जैसे अभी हमने देखा सुरेश पचौरी जी और जैसे आपने तमाम नाम गिनाया, तो क्या लगता है कि और भी लंबी लिस्ट है कि आपके अलावा और भी लोग? अरे बिल्कुल आएंगे, आप देखो सही। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आपकी कोई बात हुई आगे की जिम्मेदारी? आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि मेरे और कैलाश भाई के संबंध, एक भाई बड़े भाई है मेरे, वो संबंध है, पारिवारिक संबंध है हमारे, हमारी दोनों की बात सिर्फ कैलाश जी से हुई है, ना तो हमारी कोई मांग है ना हमारी डिमांड है, बस ये दोनों। ये पंकज संघवी हैं, 2019 में इंदौर लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, लेकिन अब पार्टी के संगठन से नाराज हैं। और खास बात यही है कि जीतू पटवारी का संवाद नहीं होना सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं। उनका कहना है कि इंदौर से होने के बावजूद इंदौर के नेताओं से वो संवाद नहीं करते, यही वजह है कि लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पंकज संघवी भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज भाजपा में शामिल हुए हैं। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।